सेकंड पॉइंट है मिराज भी, बातें नहीं करनी अभी भी। देखो देखिए क्लास, जो रिफ्रैक्शंस की कंडीशन है, रिफ्लेक्शंस की कंडीशन है इसकी, टोटल इंटरनल की, उसकी ये कंडीशन ये थी कि पहली लाइट ट्रेवल करनी चाहिए फ्रॉम डेंसर टू एयर मीडियम भी। क्या पॉसिबल है कि एयर में डेंसर मीडियम हो जाए? देखिए क्लास, ये पॉसिबिलिटी है भाई। देखो जब लाइट, सनलाइट आ रही है हमारे यहाँ पे, तो हाईएस्ट टेम्परेचर किस जगह पे होता है अभी? ग्राउंड पे लाइट आ रही है अभी, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एंटर करके लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर भी, तो किस जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है अभी? ये ए बी सी डी, हाईएस्ट कहाँ पे होगा? डी पॉइंट पे होता है। रेडिएशन की खासियत ये है, जहाँ पे स्ट्राइक करती हो वहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज करती हो, बीच की मीडियम को चेंज नहीं करती रेडिएशन भी कोई भी कर लोगे तो। हाईएस्ट कहाँ पे होता है? ग्राउंड पे होता है अभी, समझ में आया? फिर ये कोलाइड करती है रिफ्लेक्शन के बाद CO2 मॉलिक्यूल्स के साथ या NO2 मॉलिक्यूल्स के साथ, और वहाँ पे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है अपने आप को, तो वापस रिफ्लेक्स, जितनी बार ये स्ट्राइक करेगी उतनी हवा गर्म होगी फिर वहाँ से, कर लोगे। लेकिन हाईएस्ट कहाँ पे होता है? डी पे। अब यहाँ पे क्या है, लेयर बनी होती हैं एयर की है, क्योंकि एयर किसकी तरह बिहेव करता है, जब बिहेव लाइक फ्लूइड्स भी, यस और नो? अब यहाँ पे लेयर हैं एयर की भी, और विद डिफरेंट टेम्परेचर्स भी, जिस लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल दूर भागेंगे भी, इट इज बिहेव लाइक रेयर मीडियम्स भी। जिसका टेम्परेचर कम होगा कंडेंस होंगे मॉलिक्यूल्स, इट इज बिहेव लाइक ए डेंसर मीडियम्स भी। जिस हवा का टेम्परेचर ज़्यादा है इट बिहेव लाइक रेयर मीडियम्स, जिस हवा का टेम्परेचर कम है इट बिहेव लाइक ए डेंसर मीडियम। समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आपको ये बोला था कि जून के महीने के अंदर, मई जून के अंदर सड़क पर ऐसा लगता है कि पानी बिखरा हुआ है, मई जून में ही लगता बस, बाकी महीने में नहीं लगता, कर लोगे? तो कुछ तो रीज़न होगा उसका भी, तो लिख लीजिए अभी इसमें ये पॉइंट लिखवाते हैं पहले तुम लोग। लिखिए एयर एट हाई टेम्परेचर, एयर एट हाई टेम्परेचर बिहेव लाइक रेयर मीडियम भी, बिहेव लाइक रेयर मीडियम। हो गया? एंड एयर एट लो टेम्परेचर, एयर एट लो टेम्परेचर बिहेव लाइक डेंसर मीडियम, बिहेव लाइक ए डेंसर मीडियम। हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर होती हैं अभी एयर की, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स भी, सो दे बिहेव लाइक डिफरेंट मीडियम्स भी, कर लोगे। डेजर्ट्स में क्या होता है अभी गर्मियों के टाइम के अंदर, देखिए ये रेगिस्तान मान लेते हैं अभी, और यहाँ पे पेड़ अभी एक रेगिस्तान में बड़े पेड़ भी होते हैं भाई, खजूर वाले, समझ में आ रहा है? यस आर नो? ये खजूर का पेड़ है अभी, ओके। और यहाँ पे लेयर है अभी ऐसे, हवा की लेयर बनी हुई है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स भी, दे बिहेव लाइक डिफरेंट मीडियम्स भी, यस यही है ना? जो हवा की लेयर ग्राउंड के नज़दीक होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा भाई एज कम्पेयर टू अपर लेयर्स, इस तरह चलेगा सारा काम ये। अब देखिए यहाँ से हम दूर से देख रहे हैं इस पेड़ को भी, इस पेड़ की इस पॉइंट की एक लाइट आएगी बीम भी, ये मीडियम कौन सा है इसके कंपेरिजन में? रेयर है ये, रेयर है ये, कौन सा है? डेंसर। सही बोल रहा हूँ? उल्टा बोल दिया, ये डेंसर है ये रेयर है, इसका टेम्परेचर कम है भाई इसका ज़्यादा है, कर लोगे? ये डेंसर है ये रेयर है, पहले कंडीशन पूरी हो जाती है भाई, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यस और नो? फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते हैं तो अपने नॉर्मल से दूर हटेगी थोड़ी सी, कर लोगे? फिर ये लेयर और ये लेयर में क्या है भाई, ये डेंसर है ये रेयर है, इसके हिसाब से दोनों के हिसाब से ऐसा कंडीशन आएगा कि जब इसका आई किससे बड़ा हो जाएगा? सी से भी, तो ये उसी मीडियम में क्या करेगी? मुड़ जाएगी भी। कर पाओगे? एक बीम्स को सीधा निकाल लेते हैं नॉर्मल टू द मीडियम, जब नॉर्मल से निकलती है तो सिंपल चलती है भाई, कर पाओगे? तो इसका पीछे मिलाओ तो यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी इसकी, यस और नो? किसकी? इस पेड़ की। हम यहाँ से देख रहे हैं दूर से, देख के दूर से क्या दिख रहा मेरे को?
कि पेड़ के नीचे एक इमेज बनी हुई है, पॉसिबल दो जगह पे है, मिरर हो या वाटर हो। हम ये सोच नहीं सकते कि रेगिस्तान में किसने पेड़ के नीचे मिरर रख दिया होगा, वह ये सोच सकते हैं क्या? ये सोच सकते हैं पेड़ के नीचे पानी हो भी शायद, कर पाओगे तो दूर से दिखता है कि यहाँ तालाब है और इसकी उल्टी इमेज दिख रही है यहाँ पे मेरे, ये एक भ्रम होता है जिसकी, ये मेन रीजन है रेगिस्तान में भटकने का भी। लिख लीजिए, मिराज इज ए ऑप्टिकल इल्यूजन, मिराज इज ए ऑप्टिकल इल्यूजन, ILLUSION, ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट ऑन हॉट समर डे गर्मियों के दिनों में भी, हॉट समर डे, ओके, इन दिस इल्यूजन वी ऑब्जर्व्ड ए इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए ट्री, ओके। जब ये ट्री मिलता है लगता है कि उस पेड़ के नज़दीक क्या है, कोई पानी का तालाब है। टोटल इंटरनल, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट लिखिए, बाय प्रिज्म भी रिफ्लेक्शंस करना है आपको बाय प्रिज्म। बाईप्रिजम्स भी यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बने हुए, सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन अच्छे आए हैं, एक दो डायग्राम्स में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अभी देखो अभी क्लास, हमारे पास एक प्रिज्म है, अभी ग्लास प्रिज्म देखिए कभी, प्रिज्म देखिए कभी आप लोगों ने, किसने देखी है, सभी ने देखिए। तो प्रिज्म का एंगल कितना होता है, प्रिज्म का एंगल कितना होता है, कितना एंगल होता है प्रिज्म का, बस क्या देखा सिक्स, जो हमारे ऑर्डिनरी लैब में प्रिज्म होती है उसका एंगल 60 डिग्री होता था, हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री का, ऑर्डिनरी होती है, इट डज नॉट शो द रिफ्लेक्शंस, ये नहीं शो कर पाएगी। ये जो प्रिज्म ने बनाई है इसमें एक एंगल कितना है 90 डिग्री का, अभी कर लोगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा अभी इस तरह का, एक प्रिज्म मिलेगी और आपसे बात नहीं करनी, और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो है ना ये लाइट ऐसे जा रही है, अभी कोई लाइट है, इसका पाथ ऑब्जर्व कीजिए आफ्टर रिफ्लेक्शंस, पाथ क्या होगा इसका, ये पाथ ड्रा कीजिए आफ्टर रिफ्लेक्शंस, एक नंबर का क्वेश्चन होता है सीबीएसई बोर्ड में भी, ये कई क्वेश्चन आए यहाँ से भी इसके। अब आपकी ग्लास प्रिज्म है, अभी इसका कुछ ना कुछ तो म्यू होगा, मोस्टली ग्लास का 1.5 होता है मैक्सिमम भी, म्यू कितना होता है 1.5। क्या ऐसे सी निकाल सकते हो क्रिटिकल एंगल्स, एक बार देख लीजिए, वी हैव ए राइट एंगल प्रिज्म्स भी, राइट बोलना पड़ेगा, अलग तरह की प्रिज्म थोड़ी सी, वी हैव ए राइट एंगल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ग्लास की होती है भाई, ग्लास की 1.3 से 1.5 के बीच में होती है, कर लोगे, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैविंग क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, हैविंग क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री भी। क्लास क्या इसका पाथ ट्रेस कर सकते हो अभी यहाँ से, कैसे करोगे, देखो ये मीडियम में जाना चाहती है अभी नॉर्मली, तो पता है कि मुड़ेगी नहीं नॉर्मली, तो भाई ये सर नो, अब यहाँ पे स्ट्राइक किया इसने, बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई, क्यों नॉर्मली जा रही है स्टार्टिंग में, इसने हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जब यहाँ पे स्ट्राइक कर लिया, ये एंगल कितना था भाई, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करें ऐसे, ऐसे होगा ना, खुद गलत कर रहे हैं, ऐसे ही होगा, ये एंगल कितना होगा, देखो क्लास ये 90 है, गेरा ये 45 होगा फिर तो, ये सर नो, ये 45 है, ये नॉर्मल है भाई, 90 है ये पूरा, तो ये कितना होगा,
एंगल आई इसका कितना है अभी 45 डिग्री। क्या एंगल आई सी से बड़ा है? क्या इस पॉइंट पे ये बाहर निकलना चाहती है, डेंसर से एयर में जाना चाहती है? दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। इस पॉइंट पे दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। कौन सी? लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, कोशिश कर रही है डेंसर से रेयर में जाने की। और इसका आई किससे बड़ा हो रहा है? सी से बड़ा हो रहा है। तो क्या दिखाएगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएगी। रिफ्लेक्शन कैसे दिखाएगी? जितना आई उतना आर भी होना चाहिए, रिफ्लेक्शन है तो। यस सर नो? ये 45, इसका 45 कहाँ पे होगा? ऐसे, ये भी 45। समझ में आया कि नहीं आया अभी? यस सर नो? आप क्या करेगी? नॉर्मली चल रही है तो बाहर निकल जाएगी, ये इसका एक्चुअल पाथ होगा अभी। ये भी 90 डिग्री की है, 98। तो ये 45 45, ऐसा ही है ना। चलो, एक बीम ऐसे जा रही है अभी, इसका पाथ ट्रेस कीजिए। वही चीज़ें हैं, सी वही है, म्यू वही है, सब कुछ वही है। अब चेंज, थोड़ी मैंने डायग्राम चेंज कर दिया भाई। तो यहाँ से तो स्ट्रेट चलेगा भाई। यस सर नो? यहाँ पर स्ट्राइक किया, नॉर्मल ड्रा करें अभी। दिस इज द नॉर्मल, ये 90 है, ये 45, ये भी 45 होना चाहिए। यस सर नो? ये डायरेक्ट एंगल निकालने से कर रहे हो? यस सर नो? ये पूरा एंगल 90 है, ये 45, ये 45, क्योंकि 45 45 चल रहे हैं। इसका हाफ करोगे तो 45 बनेगा ये। अरे है कि नहीं है? क्या दिखाएगा? पहली कंडीशन पूरी हो रही है, डेंसर एयर में जा रही लाइट, दूसरी आई इज ग्रेटर देन सी। तो ये आप आएगा ऐसे 45 पे, ये 45 होगा, होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? अगेन नॉर्मल ड्रा कीजिए इस सरफेस पे। ओके, ये 90 है अभी, ये 45, ये 45। क्या सर ना? तो ये कितना? ये भी 45। क्यों? ये पूरा 90 है, नॉर्मल है। ये 45 है, ये 40, क्योंकि 80 होती है ट्रायंगल से, 90 तो ये हो लिया, तो बच गया कितने? 45 45 बच गए। यस सर नो? ये 45 है तो पूरा 90 है, तो ये 45 होना चाहिए। यस सर नो? तो क्या दिखाएगी फिर से? टोटल दिखाएगी। तो कैसे मुड़ेगी? 45 पे मुड़नी चाहिए। ये पूरा 90 है, ये 45, ये भी कितना? 45 है। तो वापिस समझ में आई कि नहीं आई? डायग्राम पे ऑप्टिकल फाइबर, यस भाई, नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। डायरेक्ट क्वेश्चन दो नंबर पूछते हैं, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशंस भी, दो नंबर के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर्स भी, सुना है इस वर्ड कभी? फाइबर्स भी आज तो वो सुन रहे हैं। yes, हमारा 5G स्पीड ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आ रहा है अभी। छोड़ो, तुम्हारे पास ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ग्लास, एक ग्लास ट्यूब होती है अभी, ग्लास ट्यूब या प्लास्टिक की ट्यूब, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की भी कर लोगे। ये मान लेते हैं ग्लास ट्यूब है अभी, या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की ट्यूब है कोई, अंदर से पूरी भरी है भाई, ये खाली नहीं है, पूरी प्लास्टिक की ट्यूब है अभी, पूरी सॉलिड भी कर लोगे। और इसके ऊपर एक लेयर लगा रखी है एक और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आप लोगों ने दिवाली पे लैंप लेके आए हो? लैंप लेके आते हो दिवाली पे? तो फाइबर्स क्या होती है दोबारा देखिएगा, एक एक ट्यूब होती है ग्लास, ग्लास की यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की भी, फ्लेक्सिबल हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में भी। इसके ऊपर एक और लेयर लगी होती है अभी, किसकी? किसी और मटेरियल्स की, और इस तरह से लगी होती है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम ज़्यादा होती है अभी। मतलब इसकी अंदर लेयर की मान लेते हैं 1.5, अगर ग्लास की मान रहा हूँ तो मैं, और जो ऊपर लेयर लगा रखी है इसकी कितनी है? 1.3 मान लेते हैं। ऊपर वाली लेयर की क्या है? कम है भाई, नीचे वाली किससे है? तो ये म्यू है भाई, क्लास समझ में आ रहा है?
जब लाइट एंटर करती है अभी यहाँ पे, तो ये पहली कंडीशन पूरी हो जाती है इसकी, डेंसर से एयर में जा रही लाइट, नीचे वाला डेंसर है, म्यू ज़्यादा है इसका, कर लोगे डेंसर से रेयर में। अब ऑप्टिकल फाइबर बनाते ऐसे ही हैं कि हर बार आई क्या हो जाए, सी से बड़ा हो, तो क्या होगा उसमें मीडियम उड़ेगी, कर लोगे फिर ये कंडीशन होगी वापस से, डेंसर से कौन जाने कोशिश करेगी रेयर में, अगेन आई इज ग्रेटर देन सी, ऐसे लाइट ऐसे चलती है। इसको आप पाइप को कैसे मोड़ लीजिए, लाइट ऐसे चलती है घूमती हुई पाइप के थ्रू, समझ में आया कि नहीं। ट्रांसपेरेंट ट्यूब किसी की हो सकती है, ग्लास की, रबड़ की, प्लास्टिक की, किसी की हो सकती है। अभी ट्रांसपेरेंट ट्यूब ऑन विच ए ट्रांसपेरेंट लेयर इज कोटेड, ऑन विच ए ट्रांसपेरेंट लेयर इज कोटेड, आगे लिखिए इसी में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर इज लेस देन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्यूब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्यूब, इसको बनाते ऐसे हैं, कर लोगे। आगे लिखिए, इन ऑप्टिकल फाइबर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, समझ में आया कि नहीं आया अभी। तो ये फाइबर डायग्राम बना चुके होगा इसका, yes, अब इसका यूज लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर भी, इसी में लिखिए एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। पहला पॉइंट डालिए क्लास, लिखिए इट इज यूज्ड इन transmitting the light for a long distances भी। थर्ड भी लिखिए, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन, जितने भी इंटरनेट स्पीड आपकी 4G की आ रही है सारी इसके थ्रू आ रही है, अभी 5G भी इसके थ्रू आएगी, कर लोगे। ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन मेजरिंग द ब्लड फ्लो, इन मेजरिंग द ब्लड फ्लो इन द हार्ट भी। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस देखिए, कभी कोई भी मीडियम भी जो स्फेरिकल नेचर का होगा अभी उसको बोलेंगे सर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कांच की बोतल देखिए, कांच की बोतल एक शेप बनेगा भी, मीडियम है यस आर नो, अब तो मीडियम क्या ले रहे थे, स्ट्रेट लाइन ले रहे थे, प्लेन सरफेसेस, अब वो क्या मीडियम लेंगे हम लोग, स्फेरिकल मीडियम लेंगे अभी, तो देखेंगे क्या आंसर आ गया, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, सिंपल है लिख लीजिए, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो लिखिए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर द पार्ट्स ऑफ ए सफियर ऑफ मीडियम, पार्ट ऑफ सफियर ऑफ ए मीडियम, मीडियम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कांच का हो चाहे वो लिक्विड का हो, कर लोगे, उसका एक पार्ट मान सकते हैं, एक पार्ट है भाई, ओके। दो तरह का होगा भी क्लास, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लिख लीजिए, पहला है इसी में कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फर्स्ट पॉइंट है कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉनकेव में क्या होगा, देखो पता है कॉनकेव शेप क्या होता है, ये शेप कॉनकेव है, यस और नो, इसके इस तरफ भी सारा मीडियम होगा, समझ में आया कि नहीं आया,
तो इसको बोलेंगे कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दो मीडियम होंगे, इस तरफ रेयर मीडियम होगा, उस तरफ कौन सा होगा डेंसर मीडियम। यहाँ पे रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू वन मान लेते हैं, यहाँ पे कितनी है म्यू टू। ये इसका मिड पॉइंट है, इसका पोल बोल सकते हैं, कर लोगे। ये एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, किसी स्फीयर का पार्ट होगा, सेंटर भी होगा। यस सर ना, अब कितना है कि देखो, यहाँ तो हमने मिरर किया था याद है, इसके बाद हमने पॉलिश किया था इसको भी, इसके बाद सारा क्या है मीडियम है, हो जाएगा। बॉटल देखिए ना, बॉटल को पिचका दो भाई, एक सेप आएगा। यस सर ना, वही सेप है, कर पाओगे। तो सिंपल ही है डायग्राम बनाइए एक बार इसको, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का। इन कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कॉनकेव पार्ट इज टुवर्ड्स रेयर मीडियम भी, कॉनकेव पार्ट इज टुवर्ड्स रेयर मीडियम, कॉनकेव पार्ट होगा भी रेयर मीडियम की तरफ, कर लोगे। सेकंड है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी, सेकंड है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसमें ये शेप होगा अभी, इसके बाद सारा मीडियम होगा। ये मिड पॉइंट होगा, पोल बोल सकते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम की म्यू वन मान लेते हैं, इसका म्यू टू मान लेते हैं। बॉटल देखिए ना, बॉटल का शेप यही होता है कॉन्वेक्स, कांच की बॉटल देखी होगी तो शेप ऐसा ही होता है उसका, ठीक है। लिख लीजिए, इन कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स पार्ट इज टुवर्ड्स रेयर मीडियम, कॉन्वेक्स पार्ट इज टुवर्ड्स रेयर मीडियम, कॉन्वेक्स पार्ट जो होगा वो रेयर मीडियम की तरफ होगा अभी, हो जाएगा। समझ में आया है, जो बाहर का सरफेस होता है ना उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, जो अंदर का होता है उसको कॉनकेव बोलते हैं, कर लोगे। तो ये थे सिंपल डायग्राम जो हमने बनाने हैं इसके, आगे चल के आगे लिखो इसमें भी। अब जब ये टॉपिक हम कर रहे होते हैं तो इसमें कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं, रब कर दें इसको, एजम्पशंस लिखिएगा, एजम्पशंस क्या है, क्या मान के चलेंगे अभी, कुछ तो पॉइंट मानने पड़ेंगे यहाँ पे। ओके, पहला पॉइंट मान लीजिए, अभी लिखिए ऑब्जेक्ट एंड इमेज एक्ट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स भी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज एक्ट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। हम इमेज ऐसे बनाएंगे कि ए बी इज द ऑब्जेक्ट, हम पॉइंट बनाएंगे ए इज द ऑब्जेक्ट भी। यस सर, हम पहले भी हमने किया है पॉइंट एक भी, कुछ देर इससे पहले टॉपिक हुआ था रिलेशन बिटवीन अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ, मैंने पॉइंट बनाए थे अभी। यस सर नो, हम क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट और इमेज को पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे हम पे भी। सेकंड पॉइंट डालिएगा, सेकंड पॉइंट है एंगल्स आर स्मॉल भी, सारे एंगल्स स्मॉल लेंगे, एंगल्स आर स्मॉल, इसका फायदा होगा भी आपको, क्या फायदा होगा देखिए। अगर एंगल स्मॉल ले रहे हैं तो साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई होता है, साइन आर इज नियरली इक्वल टू आर भी। अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन करना आता है साइन कोस टेंजेंट का, ठीक है, तो उसमें यही फैक्टर होता है कि हम हाइयर टर्म को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं भी। एंगल स्मॉल होंगे तो आई इज इक्वल टू साइन आई इक्वल टू, वो आई की तरह ट्रीट किया जाएगा भी। स्मॉल एंगल्स की खासियत ये है आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ सकते हो, समझ में आई कि नहीं आई। वैसे भी इनकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 ही होती है, मिनिमम कितनी होती है -1 होती है सभी की, और भी यूज किए हुए हैं, दोनों ही साइज के लिए होते हैं क्लास। अपर्चर इज स्मॉल, हो जाएगा, याद रखिएगा, पूरी ऑप्टिक्स में भी लेके चलते हैं कि साइज छोटे हैं भाई, उतना अच्छा डायग्राम बनेगा और उतना बेस्ट बनेगा डायग्राम आपका भी, कर लोगे। अपर्चर इज ए स्मॉल, ये भी अजम्पशंस है अभी यहाँ पे। एक और पॉइंट बना लीजिएगा इसमें, तो ध्यान रख लीजिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा जाएगा भाई,
यही रखना है, कोई पॉइंट तो है नहीं वैसे। इमेज भी कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी कहीं जाके, कर लोगे। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं, बाकी कन्वेंशंस क्या हो सकती हैं। सभी डिस्टेंस कहाँ से मापेंगे, पोल से मापेंगे भाई, पोल के इस तरफ वाले नेगेटिव होंगे, उस तरफ वाले क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ऊपर मापोगे, ऊपर मापना नहीं अभी, पॉइंट ही में ले रहे हैं हम लोग। ऊपर मापोगे तो क्या होता है, नीचे मापना तो क्या होता है, वो पहले से ही है अभी सारी।